YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। देश में महिलाओं पर हो रहे रेप, छेड़छाड़, उत्पीड़न जैसे अपराधों को रोकने के लिए सरकार ने कड़े कानून का प्रावधान किया है ताकि महिलाओं पर होने वाले अपराध कम हो सके। लेकिन कुछ महिलाएं इस कानून का फायदा उठा करके इसका दुरुपयोग कर रही है और ऐसा ही एक मामला कानपुर से आया है जहां पर एक युवती ने छेड़छाड़ के बाद रेप के आरोप लगा करके निर्दोष को जेल भिजवाने का काम किया। दरअसल पीड़ित युवती की माने तो वो रिश्तेदार में एक शादी में गई और वहां पर आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर जबरदस्ती की और उसे अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसके तहत पुलिस ने रेप का मामला दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन अचानक पीड़िता और उसकी माँ अपना बयान बदलकर अब पुलिस अधीक्षक शपथ पत्र लिख करके उनमें से एक आरोपी के छुड़वाने की गुहार लगा रही हैं और कह रही हैं कि हमने उसे किसी के बहकावे में आकर उसे फंसाया था और वो निर्दोष है। तो यहां पर देश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध जो है वो बढ़ते जा रहे हैं और महिलाओं के हित में कई कानून बने हैं, लेकिन ये मामला ऐसा है कानपुर से जहां पर महिला ने उन कानून का गलत फायदा उठाया और निर्दोष को जेल भिजवा दिया। इसके बाद ये युवती अपना बयान बदलती है और थाने में जाकर के कहती है जो आरोपी है वो निर्दोष है, उसे छोड़ दिया जाए। तो यहां पर ये जो पूरी तस्वीर पेश हो रही है ये कहीं ना कहीं महिलाओं की वो तस्वीर पेश हो रही है जहां पर कानून का गलत फायदा उठाया जाता है इन महिलाओं की ओर से। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर रेप का झूठा मामला दर्ज करवाया गया और बाद में निर्दोषी को छोड़ने की बात की गई।